सिरैक्यूज में एक दिन एक आदमी नहा रहा होता है और अचानक उसके दिमाग की बत्ती चली और वो खड़ा होता है और नंगे पुंगे अवस्था में राजा के राजमहल की ओर युडेका 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 चिल्लाते हुए दौड़ा दौड़ा चला जाता है। अब आप पूछोगे क्यों? वेल, मेरा बस चले ना तो मैं अभी बता दूं, लेकिन थोड़ा तो बिल्डअप बनता है ना, थोड़ा थोड़ा सा नहीं। अरे रील तो है जो अभी खत्म होगा, तुम मजे लो यार। के आसपास सिसिली आइलैंड पर सिराक्यूज नाम का एक सिटी था जो आज के टाइम इटली के अंतर्गत है। एक बार वहाँ के राजा हिरोन टू ने अपने लिए एक सोने का मुकुट बनवाया, लेकिन किसी वजह से राजा को सोनार पर शक हुआ और उन्हें लगा कि सोनार ने जरूर इसमें कुछ अलग धातु मिलाया होगा। अब इसे जांचने के लिए राजा को तो मुकुट को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन राजा की मुकुट को तोड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब बिना तोड़े इसकी पुष्टि करे कैसे? अखी पब्लिक को पता है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ एक इंसान के पास है, एस्ट्रोनॉमी इंजीनियरिंग और फिजिक्स में माहिर मैथ्स के बाहुबली द ह्यूमन विश्वकर्मा बाबा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज एक जीनियस थे, वो हर वक्त अपने ही ख्यालों में खोए रहते थे। साइंस या मैथ्स के समस्या में वो इस तरह से बह जाते थे कि उनके खाने और पीने का कुछ ठिकाना ही नहीं था। उनको नहाने के लिए भी जबरदस्ती बाथरूम में भेजना पड़ता था, और अगर वो एक बार को नहाने चले गए फिर वो वापस आते ही नहीं थे। वो बाथरूम के फर्श पर, दीवार पर या फिर अपने बॉडी में पानी से डायग्राम्स बनाते थे और मैथ्स के या साइंस के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढते थे। थ्योरेटिकल फिजिक्स के अलावा उन्हें हाइड्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स की काफी नॉलेज थी। आर्किमिडीज अपने कारनामों के लिए काफी फेमस थे। एक बार एक शाही जहाज पर पानी भर जाने पर उन्होंने एक मशीन बनाई जिससे कि जहाज के अंदर से पानी निकाला जा सकता था और जिसे आज भी यूज किया जा रहा है। उस मशीन का नाम है आर्किमिडीज स्क्रू। उसी दौरान रोमन्स सिरैक्यूज पर हमला करते जा रहे थे, फिर लास्ट में राजा ने आर्किमिडीज से हेल्प ली और उन्होंने अपने देश की सुरक्षा हेतु कई सारे सिस्टम्स और मशीन्स बनाए। आर्किमिडीज वॉर्स में डिफेंस के तौर पर बड़े बड़े कॉन्केव मिरर्स लगाते हैं ताकि सूरज की मदद से दुश्मन के शिप्स पर आग लगाई जा सके। फिर उन्होंने क्रेन जैसी मशीन्स बनाई जिससे कि दुश्मन के शिप्स को समुद्र में उठा उठा कर पटका जा सकता था। इसके अलावा पत्थर फेंकने वाले लिवर्स और किले के वॉल्स में भी काफी सारे डिफेंसिव वेपन्स इंटीग्रेट करते हैं। आर्किमिडीज को उस वक्त के लोग काफी आश्चर्य से देखते थे। फिर जब सिरैक्यूज को रोम ने फाइनली कंकर कर लिया तो रोमन सोल्जर्स जमीन में पड़े हुए लकड़ी के टुकड़े को देखकर भी चौंक जाते थे, ये सोचकर कि आर्किमिडीज ने कोई फंदाना बना रखा हो। उनके द्वारा इजाद की हुई कई सारी चीजें आज तक यूज की जाती है। उन्होंने पुली और लिवर्स के एडवांसमेंट पर काफी काम किया था और एक बार तो उन्होंने एग्जेजरेट करके ये भी कहा था, तुम मुझे पृथ्वी के बाहर एक जगह दो और मैं पृथ्वी को नागरी, मीनिंग मैं पूरी पृथ्वी को लिफ्ट कर दूंगा, मतलब कुछ भी। रोमन सिरैक्यूज पर हमला करने का अवसर ढूंढ ही रहे थे और उन्हें ये अवसर मिला। सिरैक्यूज में एक फेस्टिवल के दौरान कई सारे रोमन सोल्जर्स भेष बदल कर सिटी के अंदर घुस जाते हैं और सिरैक्यूज को कॉन्कर कर लेते हैं। दुश्मन देश के साइंटिस्ट होने पर भी आर्किमिडीज को रोमन किंग काफी रेस्पेक्ट करते थे और इसलिए उन्होंने आर्किमिडीज को लाने के लिए सोल्जर्स भेज दिए। उस वक्त आर्किमिडीज एक ज्योमेट्री के डायग्राम में काम कर रहे थे। जब वो सोल्जर्स उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अभी बिजी हूँ। वो सोल्जर्स आर्किमिडीज को नहीं जानते थे और उन्हें एक हारे हुए देश के एक आम नागरिक में सिर्फ अकड़ नजर आई और इसलिए उन सोल्जर्स ने आर्किमिडीज का सर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह एक महान वैज्ञानिक इस दुनिया से चल बसे। अपने मेन स्टोरी पर वापस आते हैं। आर्किमिडीज राजा के मुकुट को लेकर घर चले आते हैं और वो दिन रात इसके बारे में सोचने लगते हैं। एक दिन वो नहाने के लिए बाथटब में लेट गए, फिर उन्होंने कुछ खास नोटिस किया। उन्होंने पानी में अपने आप को हल्का महसूस किया और जब वो टब में घुसे तभी से टब में से पानी बाहर निकल रहा था और फिर वो इस बारे में सोचने लगे। उनके दिमाग की बत्ती और एक्साइटमेंट में वो जैसे थे वैसे ही बाथटब से निकलकर नंगे पंगे अवस्था में राजमहल की ओर दौड़ने लगे, ये चिल्लाते हुए कि युडेका युडेका मीनिंग मिल गया मिल गया। इसी इंसिडेंट के बाद आर्किमिडीज ने एक लिक्विड पर अगर किसी चीज को रखा जाए तो वो डूबेगी कि नहीं इसके ऊपर अपना प्रिंसिपल दिया, जिसको हम बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एकदम सुपर सिंपली बोले तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से एक वस्तु जितना पानी डिस्प्लेस करता है उस पानी का वजन अगर उस वस्तु से ज्यादा हो तो वो वस्तु पानी में फ्लोट करेगा और अगर उस ऑब्जेक्ट का वजन पानी से ज्यादा होगा तो वो वस्तु पानी में डूब जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था। उस पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था। वो बदनसीब डूबा,
क्योंकि वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पत्थर का वजन खुद पत्थर के वजन से कम था। वो एक बीम स्केल पर मुकुट को और मुकुट के समान वेट का एक प्योर गोल्ड का टुकड़ा एक एक कंटेनर पर लेते हैं और दोनों कंटेनर्स को पानी से भर देते हैं। फिर उन्होंने देखा कि गोल्ड के टुकड़े वाला साइड ज्यादा नीचे चला गया, पर अगर वो मुकुट गोल्ड का होता तो आइडियली दोनों साइड इक्वल होना चाहिए था। मतलब कि इस केस में वो मुकुट प्योर गोल्ड का नहीं था, उसमें कुछ अलग चीजें मिलाई गई थी। ये बात पता चलने पर राजा ने सोनार को मृत्युदंड दिया, उसके हाथ काट दिए या फिर इसको प्रधानमंत्री बना दिया। इसके बारे में हिस्ट्री को कुछ भी नहीं पता, हिस्ट्री को कुछ भी याद नहीं। सो दोस्तों, यही था आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके पीछे की कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी, और कमेंट मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।